हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। द नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 विद एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 सच दैट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज 1 एंड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज आल्सो 1 इज। क्वेश्चन का मतलब क्या है? आपको एक 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, ये रहा आपके पास, ये बना रखा है 5x5 ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स है, 5 रो और 5 कॉलम है। आपको कहा है कि आपको इस मैट्रिक्स में या तो एलिमेंट 0 और 1 भरना है, यही दो एलिमेंट्स आपको भरने हैं। अब किस तरीके से भरने हैं? कहा है कि जब आप रो को ऐड करें, रो के सभी एलिमेंट्स को ऐड करें तो 1 आना चाहिए, और कॉलम के सभी एलिमेंट्स को ऐड करें तो भी 1 आना चाहिए। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैं अगर मैं यहां 1 भरता हूं तो इस रो में अब कहीं पर भी 1 नहीं होना चाहिए, हर जगह क्या होना चाहिए? 0। तभी इस रो के हर एक एलिमेंट का जो सम करेंगे तो कितना आएगा? 1। ऐसे ही इस कॉलम में अब और कहीं पर 1 नहीं आ सकता, हर जगह क्या आएगा? 0 आएगा। तो सीधी सी बात है, किसी भी रो या कॉलम में सिर्फ एक बार ही 1 आना चाहिए। जैसे ये अगला वाला है, अगले वाले में 1 यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। मान लो अगर मैं 1 यहां भर देता हूं तो देखो इस कॉलम में 1 आ चुका है, यहां पर इस रो में यहां पर 1 आ चुका है, तो ये मैंने लाइन बना दी। इसका मतलब इन लाइंस पे अब कहीं पर भी 1 नहीं होना चाहिए, हर जगह कितना होना चाहिए? 0 0 0। ऐसे ही यहां पर अगर मैं 1 भरता हूं तो आप देखो इस वाले कॉलम में एक 1 आ चुका है तो बाकी जगह 0 0 हो जाएंगे, यहाँ तो पहले से 0 0 होने चाहिए, और इस वाले रो में भी अब कोई और 1 नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह क्या होंगे? 0 0 0। ये मतलब है यहाँ पर। अब मैंने अलग से एक और मैट्रिक्स यहाँ पर बनाकर दे रखा है, तो अब आप खुद सोचें। मान लेते हो अगर मैं यहाँ 1 भरता हूं तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाकी जगह तो यहाँ यहाँ 0 होंगे और यहाँ पर भी क्या होंगे? 0 होंगे। मतलब आपके पास ये जो पहला रो है, हम रो के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा हमें। इस रो में कहीं पर भी मैं 1 भर सकता हूं, तो पहले रो में 1 भरने के मेरे पास कितने पॉसिबल वेज हैं? 5 है, ठीक है। तो पहले वाले रो में 1 भरने के कितने पॉसिबल वेज हैं मेरे पास? 5 है। अब आते हैं दूसरे वाले रो। तो अगर दूसरे वाले रो में भरना है तो पहले ऊपर वाले रो में कहीं पर एक 1 भरना पड़ेगा, जो मैंने यहां भरकर दिखा दिया आपको। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है यहां पर और कहीं 1 तो आ नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग में 1 दिखा दिया है, और यहां पर भी कहीं और 1 आ नहीं सकता क्योंकि स्टार्टिंग में 1 दिखा दिया है। तो जो नेक्स्ट वाला जो रो है उसमें सिर्फ ये 4 ही खाने ऐसे हैं, 4 ही जगह ऐसी हैं जहां पर तुम 1 भर सकते हो। तो नेक्स्ट वाले रो के पास सिर्फ 4 ही जगह होंगे, मतलब 4 ही पॉसिबल वेज होंगे जहां पर 1 को भरा जा सकता है, जब पहले वाले रो में 1 भरा जा चुका हो। अब मान लो ये जो दूसरा वाला रो है इसमें मैं यहां पर 1 भर देता हूं, यहां जगह पे 1 भर देता हूं सपोज, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वाले में भी जो जाना है। मान लो मैंने यहां भर दिया, वैसे तो 4 पॉसिबल वेज है, कहीं पर भी भर सकते हो, तो मैंने 1 यहां भर दिया। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर अब और 1 नहीं आ सकता, और यहां पर भी अब और 1 नहीं आ सकता, हर जगह क्या आने चाहिए? 0 0 0 आने चाहिए। तो अगर तुम अगले रो के पास जाओ तो अगले रो के पास सिर्फ 3 ही पॉसिबल जगह है जहां पर वो 1 भर सकता है। तो नेक्स्ट वाले रो के पास 3 पॉसिबल वेज है जिससे 1 को भरा जा सकता है, वो कहीं पर भी भर सकता है इनमें से। तो मान लो अगर उसने यहां भर लिया तो इस जगह अब कोई और 1 नहीं आ सकता, इस जगह अब और कोई 1 नहीं आ सकता। अब अगर हम अगले वाले रो के पास जाएं तो अगले वाले रो के पास अब सिर्फ 2 ही जगह है, अब 1 या तो यहां भर सकता है या फिर यहां भर सकता है। तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले रो के पास कितने पॉसिबल वेज है 1 को भरने के? वो है 2 पॉसिबल वेज। तो मान लेते हैं यहां 1 भर दिया है, तो अब इस वाले कॉलम में 1 कहीं नहीं आ सकता, और इस वाले कॉलम रो में भी 1 कहीं नहीं आ सकता। अब लास्ट वाला जो रो है उसमें सिर्फ एक ही जगह बची है, तो इस जगह पर ही 1 भरा जा सकता है। तो लास्ट वाले रो के पास सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है जहां पर 1 भरा जा सकता है।
तो यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है वन, इसमें है टू, इसमें है थ्री, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है फोर। तो सारे पॉसिबल वेज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, 120। तो इसका मतलब है 120 टोटल पॉसिबल वेज हैं जिससे आप किसी कॉलम या रो में वन और जीरो को भर सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि रो के सभी एलिमेंट्स का सम वन होना चाहिए और कॉलम के सभी एलिमेंट्स का सम वन होना चाहिए। तो आप देखें जो सेकेंड वाला ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच करता है।